अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जा रही हूँ जी मैं रियाद के एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट पे, जो कि है रियाद लेक्स पार्क। और ये है जी रियाद से 27 किलोमीटर दूर। सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक फैमिली पिकनिक रखते हैं वहाँ पर। मैं और मेरे हस्बैंड पहले यहाँ पे आए थे और हमने देखा था कि काफ़ी क्राउडेड जगह है, इसलिए अभी हम थोड़ा टाइमली जा रहे थे और हम घर से ही नाश्ता बना के लेके जा रहे थे। हमने यही डिसाइड किया था कि हम शाम के टाइम नहीं जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। तो इसीलिए एक फ्राइडे का दिन था और हम बिल्कुल फ्राइडे की नमाज़ पढ़ के उसके बाद निकले। पार्किंग का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, पार्किंग की काफ़ी बड़ी जगह है, लेकिन अगर आप बिल्कुल करीब रोड के साथ पार्क करना चाहें तो वहाँ पे आपको पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात कि यहाँ पे सिग्नल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम क्योंकि तीन फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई थी, तो हमने पहले से डिसाइड कर ली थी कि कौन सी जगह पर हम लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और अभी हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि रब्ता हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। सिग्नल्स का यहाँ पर थोड़ा सा इशू है। गाड़ी की पार्किंग हो गई थी और तीनों फैमिलीज़ भी आ चुकी थी, वे इसलिए अब डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी जगह पे बैठना है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, तो इसलिए अब सबसे पहले जगह डिसाइड करेंगे और करेंगे नाश्ता। सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि नाश्ता सर्व करते करते मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो बनानी थी, तो बस थोड़े से ही क्लिप्स मैं बना सकी थी। नाश्ते के लिए हम तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया था और डिवाइड कर लिया था कि कौन क्या क्या बनाएगा। कज़न ने बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई बनाई थी, सिस्टर ने पराठे। रियाद में इस तरह के पिकनिक पॉइंट्स काफ़ी कम हैं, इसलिए कोई ऐसी अच्छी जगह मिल जाए तो फैमिलीज़ यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं, और बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हम लोग बस अब नाश्ता करके तो फिर थोड़ा सा जगह का राउंड लगाएंगे और देखेंगे कि ये कैसी सी जगह है। और जी ये है हमारी फैमिली की फेवरेट स्वीट डिश। हम कहीं भी जाएं या किसी के घर दावत हो ज़्यादा, हम इसी को प्रेफर करते हैं, और ये पाइनएप्पल सॉफ्ले है। इसका फ़ायदा ये है कि बस आप ये सारी चीज़ें साथ लें और मिनटों में ये तैयार हो जाती है और बहुत यम्मी लगती है। जैसे जैसे शाम हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा और भी फैमिलीज आती जा रही थी, तो अभी हम सारा कुछ वाइंड अप करके अब जा रहे हैं वो वाटरफॉल देखने, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत पॉइंट है। बच्चों के लिए तो बस एक यही एंटरटेनमेंट बन गई थी कि वो पत्थर उठा उठा के पानी में फेंक रहे थे। जब से आए थे बस यही काम किए जा रहे थे, और अब क्योंकि शाम भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा और भी क्राउडेड होती जा रही थी जगह, तो बस अब हम चलेंगे वापस। फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए, बारबेक्यू के लिए, और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट था, और हम सब ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
जैसे जैसे शाम हो रही थी उस जगह और भी ज़्यादा रश होता जा रहा था, जिसकी वजह से वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से बस इतनी सी वीडियोस ही मैं शूट कर सकी। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर और भी रियाद की जगह देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। आई होप कि आज की वीडियो को आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।